ये इतना हैट्रिक रेट कैसे इस प्लेयर का? तो दोनों प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं और चलते हैं मैच की तरफ। बट सामने और ज़िरोक्सी यहाँ पे बूम 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 करते हुए फर्स्ट राउंड में पे फिनिश करते हुए इस गेम को जीत लिया। और अब एंग्री रेडी रहना भाई, ये बंदा तो मेरे को लग रहा है पेलने वाला है एंग्री को भी भाई। 100 वाला प्लेयर, वो भी मोबाइल प्लेयर भाई, पीसी प्लेयर नहीं, मोबाइल प्लेयर है। हेडशॉट के ऊपर हेडशॉट मार रहा है भाई, बॉडी शॉट गलती से भी नहीं लग रहा है। क्या बात कर रहे बाबा? तो आखिर ये बंदा है कौन? चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं और बताता हूं, ठीक है। सो गाइस, आज कोई अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ वही होने वाला है कि भाई 100 वाला प्लेयर के गेम प्ले, समझ रहे हो? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, कैसे तुम लोग? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। ठीक है अच्छा रहे ना। सो आज मैं 2-3 प्लेयर की गेम प्ले दिखाऊंगा, ये देखने के बाद आप लोग जैसे कि व्हाइट 444 राइस्टर अगर तुम्हारे ऐसे बहुत सारे प्लेयर की गेम प्ले भूल जाओगे। अबे साले, क्योंकि भाई आज जिस चीज की गेम प्ले दिखाने वाला हूँ ना, वो इतना गॉड लेवल की गेम प्ले है भाई, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन भाई उससे पहले प्लीज गाइस यहाँ पर देखो। सो पहले नंबर पर जो बंदा आता है वो है एनजी एंग्री। शायद आप लोग जानते हो या नहीं, मेरे को नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। तो उसके चैनल में सब्सक्राइबर देख सकते हो, 31.6 के सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो उसको सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन भाई मैं और 2 यूट्यूबर दिखाऊंगा, उन दोनों यूट्यूबर को सपोर्ट जरूर करना है, ठीक है। और नंबर 2 पर आता है यहाँ पर जो क्या नाम है, अमेजन FFBR के नाम से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसके चैनल पर 1.5 के सब्सक्राइबर ओनली देख रहे हो गाइस, इतना गॉड लेवल का गेम प्ले है। तो आप लोग प्लीज इसको सपोर्ट कर सकते हो। आप लोग उसके चैनल पर जाकर देख सकते हो भाई, कितना खतरनाक वाला एडिटिंग है और कितना खतरनाक वाला हेडशॉट है भाई, देखने के बाद आपकी आंखें लाल हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 3 पर जो आता है वो है एनजी आयुष RD गाइस, उसके सब्सक्राइबर देख सकते हो भाई। मैं प्लीज आप लोग को यही बोलना चाहूंगा, इतना खतरनाक वाला गेम प्ले दिखा रहा है भाई, इसकी गेम प्ले मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, उस चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मैंने इन तीनों चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जाकर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और उसकी गेम प्ले देख लेना भाई। गेम प्ले देखने के बाद बोलोगे भाई ये तो बहुत खतरनाक वाला गेम प्ले दिखा रहा है, ठीक है। सो अब आता है वीडियो का मेन टॉपिक। सो आज की वीडियो में वही होने वाला है, 3 बंदे के बार्सेस होने वाला है। ये जो 3 बंदे देख रहे हो, 3 बंदे के बार्सेस होने वाला है। कैसे होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले जो बार्सेस है, इजान FF और आयुष की बार्सेस होने वाला है। इन दोनों में से जो विनर बनेगा वो बार्सेस करेगा एनजी एंग्री के साथ। तो चलो देख लेते हैं कि पहले बार्सेस में कौन विनर हो सकता है। दोनों प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं और चलते हैं मैच की तरफ। चले गए, चलते हैं। पहला राउंड है, ज़िरोक्सी का मूवमेंट स्पीड यहाँ पे देखनी है भाई। ये क्या कर रहा है बंदा, इधर 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 उधर घूम रहा है यहाँ पे। चलिए आयुष कहने के यहाँ पे मिस कर रहे हैं, बट सामने और ज़िरोक्सी यहाँ पे बूम 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 करते हुए फर्स्ट राउंड में चले गए। पहले राउंड में कहने के उल्टा देखने के लिए मिला, बट दूसरा राउंड चले एक और राउंड, ज़िरोक्सी क्या कमबैक कर पाएंगे यहाँ पे। ज़िरोक्सी स्पीड कमाल, आयुष को क्या टोका पाएंगे, बट थोड़ा सा। फोर्थ राउंड में यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ज़िरोक्सी अब कहने के समझ रहे हैं उतना ओपन में नहीं आ रहे वो, क्योंकि यार मूवमेंट स्पीड का तुम्हें पता है, जैसे ही बंदा ओपन में बहुत टाइम के लिए आता है, बड़ी क्या मार रहा है यार ये भाई। ओनली एक हेडशॉट ज़िरोक्सी को यहाँ पे पड़ चुका है, फिर से ओपन में आए हैं, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना पाए पीछे प्लेयर। ये क्या हुआ इस राउंड में, कहीं ना कहीं कमबैक ज़िरोक्सी ने किया है, बट कंसिस्टेंट यहाँ पे रहना पड़ेगा। जी हाँ, चुकाना पड़ेगा। अभी तक तो भाई यहाँ पे एक्यूरेसी वाला प्लेयर यहाँ पे कमाल कर रहा है, और देखना पड़ेगा कौन प्लेयर एंग्री से वर्सेस करेगा। बट मेरे को लग रहा है आयुष उसके लिए रेडी नजर आ रहे हैं बिल्कुल। देखा जाए तो कहने के जंप हेडशॉट यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा है मेरे को अपोनेंट के। यहाँ पे ज़िरोक्सी बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पे राउंड निकालेंगे, हेड कनेक्ट किया है यहाँ पे जिया, और खुद का भी हेलमेट यहाँ पे डैमेज है। ये कहां से आया ये प्लेयर गाइस, कहीं ना कहीं ये राउंड में काफी ज्यादा समय लग रहा है। क्या ज़िरोक्सी का कमबैक आएगा या फिर क्या यहाँ पे आयुष फिनिश करेंगे। ज़िरोक्सी बहुत ज्यादा ओपन में खेल रहे हैं, और क्या ये लास्ट राउंड होगा यहाँ पे। ओके, ये अभी को ज़िरोक्सी फिर से बचे हैं, और यही है कि भाई ओपन में बंदा बहुत आ रहा है, उतनी एक्यूरेसी है नहीं जितनी आयुष की है यहाँ पे। फिर से ओपन में और आयुष यहाँ पे फिनिश करते हुए इस गेम को जीत लिया। और अब एंग्री रेडी रहना भाई, ये बंदा तो मेरे को लग रहा है पेलने वाला है एंग्री को भी। सो गाइस, आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो भाई, हेडशॉट के ऊपर हेडशॉट और कुछ भी नहीं बता जा रहा है भाई, इतना जल्दी बार्सेस खत्म हो गया। सो अब आता है आयुष और एंग्री की गेम प्ले भाई, इन दोनों की बार्सेस तो कमाल होने वाला है। लेकिन भाई मैं एक बात बताना भूल गया, ठीक है। मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि 100% रेड शॉट पाया है, ठीक है, मतलब 100% हेडशॉट रेट किसका था भाई, 100% जो रेड शॉट है वो आयुष की हेडशॉट रेट है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि आयुष एंग्री के सामने टिक पाएगा या तो नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब एक फाइनल मैच की तरफ, जहां पे
आयुष ने भी जेरोक्सी को हराया था एक तरफा, बट अब द रियल हैकर है भाई इसके सामने। क्या लगता है एंग्री डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, पता नहीं। चलिए बढ़ते हैं और आई थिंक मेरे को लग रहा है गाइस ये एंग्री के लिए बहुत कंपटीशन है या फिर नहीं एंग्री के लिए। बट पहला राउंड जो खेला है कुछ अलग ही देखने के लिए मिला। ये क्या थोड़ा सा कम ज्यादा कर रहे हैं और क्या आज ऑफलाइन जाएंगे एंग्री भाई नीचे से। अब कहने की फाइट होने वाली है ऊपर। आयुष पहुंचते हुए दोनों एक ही बंडल में, तो समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को। पिछले राउंड में मेरे को लगा आयुष ओ जंप हेडशॉट आयुष। तो गाइस कहीं ना कहीं पिछला राउंड कुछ अलग ही था, कुछ खतरनाक ही था। यहाँ पे आयुष एक बार फिर से आ चुके हैं। कौन यहाँ पे लीड लेगा इस गेम में, कौन यहाँ पे बाजी यहाँ पे मारेगा। ओके ये अभी आयुष यहाँ पे पीछे ओपन में खेलना चाह रहे हैं। एंग्री डेजर्ट ईगल ट्राई करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके एंग्री आगे बढ़ते हुए किया बट नहीं। आयुष ये क्या कर रहे हो आयुष। एंग्री गाइस ओप गया है उधर यहाँ पे। चलिए एंग्री आ चुका है अब 2-1 यहाँ पे स्कोर। एंग्री फिर से आगे बढ़ रहे हैं बट तुम देख रहे हो भाई रियल प्लेयर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं भाई। थोड़ा सा तुम ओपन में निकल रहे हो, सामने वाला मिस ही नहीं कर रहे। और एक और हेडशॉट आयुष का। एंग्री को पागल कर दिया भाई, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कोई प्लेयर आते ही यहाँ पे मारे। चले गए आयुष यहाँ पे आ चुके हैं बट ये कुछ डिफरेंट ही हो रहा है। एंग्री रश कर रहे हैं। एंग्री कहने के इस बार अपने आपको एंग्री कुछ डिफरेंट ही क्या ट्राई करेंगे। आयुष कहने की ऐसा लगा था उनके कैरेक्टर रुक गए वहां पे बट एंग्री कम बैक करते हुए देखना पड़ेगा ऑफलाइन है कि यहाँ पे नहीं है। यार मानना पड़ेगा उसकी एक्यूरेसी खतरनाक है यहाँ पे आयुष की। एंग्री भाई वॉल का यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, वॉल के पीछे रह के उसको हेडशॉट देना चाहते हैं। 3-2 यहाँ पे इसको बट दोनों ओके। आयुष भी शायद ट्राई करना चाहते थे बट अब वो निकल चुके हैं वॉल से। आयुष बहुत ही सोचा समझा गेम अब यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी ओपन पे आए और एंग्री बूम करते हुए। मैच यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस अब बन चुका है 3-0। एंग्री का एक कमबैक यहाँ पे आता हुआ। बट गाइस जिस हिसाब से मैच चल रहा है लिटरली मैंने जितना सोचा था उससे एक लेवल बढ़ के हो रहा है। मेरे को लगा था टक्कर तो रहेगी दोनों प्लेयर। ये क्या हो रहा है भाई, आते ही दोनों बंदे पहले दूसरे शॉट में मार दे रहे। तभी कहीं ना कहीं इनका हेडशॉट रेट इतना खतरनाक है कि अपोनेंट को चांस ही नहीं देते ये लोग। एंग्री भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी हाँ कहीं ना कहीं जैसे क्योंकि दोनों को पता। ओ नहीं कैसे मिस कर सकते आयुष, क्योंकि भाई कोई भी प्लेयर यहाँ पे मिस ही नहीं कर रहा था और अब आयुष ने इतना अच्छा मौका। हालांकि शॉक किया एंग्री को भी, एंग्री को लगा सामने प्लेयर है बंदा पीछे था। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से और गलती आयुष ने की, फायदा एंग्री ने उठाया उस चीज का। चले गए देखो राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। 3-5 यहाँ पे स्कोर है बट क्या गेम हो रहा है। आई थिंक मेरे को लग रहा है बेस्ट 1v1 मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। दोनों प्लेयर सीधा रश कर रहे हैं, एक्यूरेसी दोनों की खतरनाक है और ये क्या है भाई, ये ऐसे लग रहा है मैं हाईलाइट देख रहा हूँ यार। चलिए गाइस ये राउंड में देखेंगे क्या होगा। ओके एंग्री की तरफ ही दोनों प्लेयर्स यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। आयुष कहने के आगे आ चुके हैं। ओके आयुष ने बॉल नहीं डाली है। ओ बचना भाई, अटैक कर रहे एंग्री जैसे बिल्कुल भूखा हो यहाँ पे हेडशॉट का, किल्स का भूखा हो यहाँ पे प्लेयर। ओके अभी को भाई क्या कमबैक आएगा, आना चाहिए यार आयुष का कमबैक, लिटरली कमबैक आना चाहिए बट नहीं। एंग्री नीचे गिर गए हैं, अब ऊपर आना पड़ेगा और फिर यहाँ पे फाइट करेंगे बट व्हाट, ये क्या किया आयुष ने, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है। कहने के मेरे हिसाब से थोड़ा गलत शॉट मेरे को लगा है ये, क्योंकि चांस देना चाहिए था प्लेयर को ऊपर आने के बाद में। गाइस बाकी आप लोग कमेंट करके बताना जरूर आप लोग क्या लगता है, क्या वो शॉट जो यहाँ पे आयुष ने लगाया अनफेयर है, फेयर है, क्या है यहाँ पे। आयुष एक और राउंड में क्योंकि माइंड गेम खेल रहे एंग्री को और कहने के गुस्सा बट ये शॉट मिस कर दिया है। एंग्री ने बॉल भी नहीं लगाया था बट एंग्री यहाँ पे फिनिश करते हुए 4-7 से। जिया एंग्री अनबिलीवेबल गेम प्ले। सामने वाला प्लेयर आपको बताइए भाई कितना खतरनाक था, हेडशॉट रेट उसका क्या था बट एंग्री डिड इट। और गाइस मैं आप लोग बता दूं दोनों प्लेयर्स के बीच में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस हुए हैं और फर्स्ट गेम आयुष ने निकाला था लास्ट के बैक टू बैक। एंग्री यहाँ पे मैचेस निकालते हुए और ये सबसे लास्ट वाला गेम आप लोगों के सामने है। कमाल यहाँ पे गाइस एंग्री के लिए ओपी हो जाए।
तो गाइस ये गेम प्ले आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इन तीनों बंदों के चैनल जाकर जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो गाइस देखो इतना खतरनाक वाला गेम प्ले दिखा रहा है, वो भी मोबाइल प्लेयर, ठीक है, वो पीसी प्लेयर नहीं है भाई, वो मोबाइल प्लेयर है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, यहां तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। सो गाइस ये क्लिप था नॉन स्टॉप भाई का, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, यहां तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।